बिसमीमल स्टूडेंट्स के से आप लोग चैप्टर नंबर टू लेक्चर नंबर टेन में आप तमाम स्टूडेंट्स को खुशामदीद कहता हूँ इस लेक्चर में एक्सरसाइज टू पॉइंट फोर के कोश्चन्स डिस्कस करेंगे क्वेश्चन ये है डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस यानी फंक्शन की कंटीन्यूटी चेक करेंगे जो पॉइंट्स गिवन है उस पॉइंट पर फंक्शन कंटिनूस है या डिसकनटीन्यूस है क्वेश्चन नंबर वन और टू बिल्कुल सेम एक मेथड से सॉल्व होंगे तो मैं क्वेश्चन नंबर टू से स्टार्ट कर रहा हूँ कंटिन्यूटी चेक करेंगे फंक्शन की एक्सरसाइज टू पॉइंट फोर अब इस एक्सरसाइज में एक क्वेश्चन में आपको मिस प्रिंट मिलता है यहाँ पे मिस uh, प्रिंट है एट एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो एंड एक्स इज टू वन क्वेश्चन नंबर फोर की कंटिन्यूटी चेक करेंगे दो वैल्यूज़ पे ज़ीरो पे और वन पे चेक करेंगे ये आप लोगों ने मिस्टेक सही करना है ठीक है क्वेश्चन नंबर टू को मैं लिखता हूँ क्वेश्चन नंबर टू है हमारे पास क्वेश्चन नंबर टू है एक्सरसाइज टू पॉइंट फोर फंक्शन क्या है हमारे पास एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू थ्री एक्स क्यूब माइनस फाइव एक्स स्क्वायर प्लस एट एक्स माइनस नाइन एट एक्स इज इक्वल टू थ्री यानी फंक्शन की कंटिन्यूटी चेक करेंगे एट एक्स इज इक्वल टू थ्री पे तो सबसे पहले हम लोग सॉल्यूशन लिखेंगे सॉल्यूशन में सबसे पहले लिखेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट limit x approaches to 3 left f of x is equal to limit x approaches to 3 left 3 x cube minus 5 x square plus 8 x minus 9 limit x approaches to 3 left f of x is equal to apply karenge limit ko 3 यहाँ पे आपने स्टूडेंट्स मिस्टेक नहीं करना है ये माइनस थ्री नहीं है ये लेफ्ट हैंड को शो करता है अगर ये माइनस साइन यहाँ पे आ जाए तो तब ये क्या होगा माइनस थ्री होगा ठीक है तो यह आ जाएगा थ्री पावर थ्री माइनस फाइव इंटू थ्री स्क्वेर प्लस एट इंटू थ्री माइनस नाइन लिमिट एक्स अप्रोच टू थ्री लेफ्ट एफ ऑफ एक्स

तो ये क्या जाएगा आपके पास स्टोन लिमिट एक्स अप्रोचेस टू तो थ्री लेफ्ट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू वन जीरो तो फाइव से फिफ्टी फोर माइनस कर लें फिफ्टी वन ये लेफ्ट हैंड लिमिट है स्टोन राइट हैंड लिमिट में बिल्कुल आपने इसी तरह करना है सिर्फ यहां पे साइन प्लस आ जाएगा तो फॉर राइट हैंड लिमिट Limit x approaches to 3 plus f of x is equal to limit x approaches to 3 plus 3x 3 cube minus 8 minus 5x square plus 8x minus 9. तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ लिमिट एक्स अप्रोचिज टू थ्री प्लस एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट आप डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं या अलग अलग भी लिख सकते हैं मैं यहाँ पे डायरेक्ट अप्लाई कर रहा हूँ लिमिट थ्री थ्री पावर थ्री माइनस फाइव थ्री स्क्वेर प्लस एट इंटू थ्री माइनस नाइन लिमिट एक्स अप्रोचेज टू थ्री प्लस एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू इनको जब आप सॉल्व करेंगे आपके पास आंसर ये बी फिफ्टी वन आ जाएगा सेम उसी तरह का क्वेश्चन है अच्छा वैल्यू ऑफ द फंक्शन वैल्यू ऑफ फंक्शन वैल्यू ऑफ फंक्शन में अपने सबसे पहले फंक्शन लिखना है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू थ्री एक्स क्यूब माइनस फाइव एक्स स्क्वायर प्लस एट एक्स माइनस नाइन पुट एक्स इज इक्वल टू थ्री यानी एफ ऑफ थ्री आपने कैलकुलेट करना है एफ ऑफ थ्री वैल्यू ऑफ द फंक्शन होगी थ्री थ्री पावर थ्री माइनस फाइव थ्री स्क्वायर प्लस एट इंटू थ्री माइनस नाइन ये भी आंसर स्टूडेंट्स है फिफ्टी वन आएगा यानी इसका मतलब क्या है लिमिट एक्स अप्रोचेस टू थ्री एफ ऑफ एक्स और एफ ऑफ थ्री वैल्यू ऑफ द फंक्शन दोनों इक्वल है ये वैल्यू ऑफ द फंक्शन है ये दो लिमिट ऑफ द फंक्शन हैं लिमिट्स और वैल्यू दोनों इक्वल आ रहे हैं तो इसका मतलब क्या है एफ ऑफ एक्स इज कंटिन कंटिन्यूस at x is equal to 3 f of x is continuous at x is equal to 3 Achha, question number three students f of x is equal to x साइन वन अपॉन एक्स वेयर एक्स नॉट इक्वल टू जीरो वेयर एक्स नॉट इक्वल टू जीरो जीरो वेयर एक्स इज इक्वल टू जीरो अच्छा स्टूडेंट है ये क्या गिवन है ये एक फंक्शन है इसमें आपको एक्स इज इक्वल टू जीरो ये वैल्यू ऑफ द फंक्शन गिवन है नॉट इक्वल टू जीरो ये आपने लिमिट फाइंड करना है अगर किसी फंक्शन का लिमिट और वैल्यू दोनों इक्वल आ जाएं, तो इसका मतलब क्या है वो फंक्शन कंटिन्यूस है तो सबसे पहले लिमिट ऑफ द फंक्शन मालूम करेंगे इस सोल्यूशन में लिमिट एक्स अप्रोचेज टू जीरो एफ ऑफ एक्स इक्वल टू लिमिट एक्स अप्रोचेज टू जीरो नॉट इक्वल टू जीरो अप्रोचिज टू ज़ीरो यानी ये लिमिट के लिए यूज़ करेंगे लिमिट एक्स साइन वन अपॉन एक्स तो लिमिट एक्स अप्रोच टू जीरो एफ ऑफ एक्स लिमिट एक्स अप्रोच टू जीरो इनटू एक्स लिमिट एक्स अप्रोच टू जीरो साइन वन अपॉन एक्स लिमिट एक्स अप्रोच टू ज़ीरो एफ ऑफ एक्स यह जाएगा ज़ीरो साइन वन अपॉन ज़ीरो ज़ीरो साइन इनफिनिटी साइन फंक्शन का जो रेंज है फर्स्ट ईयर में पड़ चुके हैं माइनस वन से लेके प्लस वन तक इसकी वैल्यू आ सकती है यानी कोई भी रियल नंबर आ सकती है ठीक है कोई भी रियल नंबर आ सकती है साइन इन्फिनिटी कोई इन्फिनिटी के जब कोई भी रियल नंबर आ सकता है तो ये रियल नंबर में हमारे पास क्या आ जाएगा माइनस वन से लेके प्लस वन तक आ जाएगा माइनस वन से लेके प्लस तक कोई भी नंबर आ सकता है उसको ज़ीरो से जब मल्टीप्लाई किया जाता है तो वो ज़ीरो होगा यानी फंक्शन का लिमिट क्या है जीरो है यहाँ पे क्वेश्चन में आपको गिवन है कि इसका वैल्यू एट एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो पे ज़ीरो है तो एफ ऑफ जीरो इज इक्वल टू ज़ीरो तो आपने क्या लिखना है लिमिट एक्स अप्रोचेस टू जीरो एफ 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 ऑफ 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 एक्स एक्स इज इज इक्वल टू जीरो कंटिन फॉफ एक्स इज कंटिन्यूस एट एक्स इज इक्वल टू जीरो फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पे क्वेश्चन में गिवन होता एट एक्स इज इक्वल टू जीरो पे इसका आंसर वन है तो फिर यहाँ पे एफ ऑफ जीरो वन था ये दोनों नॉट इक्वल थे फंक्शन डिस्कटिन्यूस होता क्वेश्चन में जहां जहां पर आपको इक्वल का साइन मिल जाए वो वैल्यू ऑफ द फंक्शन होगा लेस देन इक्वल आ जाए लेस देन लेफ्ट के लिए इक्वल वैल्यू के लिए राइट हैंड इक्वल टू आ जाए राइट right लेफ्ट के लिए राइट right के लिए और इक्वल जो है हमारे पास वैल्यू ऑफ द फंक्शन के लिए हम लोग यूज़ करेंगे तो एक क्वेश्चन नंबर फोर को भी डिस्कस करते हैं question number 4 f of x is equal to minus 2x when x less than equal to 0 when x less than equal to 0 i just don't see a both important question here when x when 0 less than x less than 1 2 minus x क्वेश्चन है जहाँ पे मिस्टेक था आपने कंटिन्यूटी चेक करना है एट एक्स इज इक्वल टू जीरो और एट एक्स इज इक्वल टू वन पे तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ एट एक्स इज इक्वल टू जीरो तो सबसे पहले ज़ीरो के लिए हम लोग कंटिन्यूटी चेक करेंगे अच्छा ज़ीरो के लिए आपने ये एक पीस वाइस फंक्शन है जीरो के लिए आपने क्या करना है लेस देन ज़ीरो लेफ़्ट के लिए यानी ज़ीरो को जब आप यूज़ करेंगे ज़ीरो के लेफ्ट के लिए ये फंक्शन एक्स ग्रेटर देन ज़ीरो यानी राइट के लिए ये फंक्शन वैल्यू के लिए ये फंक्शन लेफ्ट और वैल्यू के लिए ये फंक्शन राइट right के लिए ये फंक्शन एट एक्स इज इक्वल टू वन में एक्स लेस देन वन लेफ्ट के लिए ये एक वैल्यू और राइट right के लिए ये फंक्शन यूज़ करेंगे अच्छा स्टूडेंट जहाँ पे लेस देन इक्वल आ जाए लेस देन जो है लेफ्ट के लिए होगा इक्वल जो है वैल्यू के लिए होगा यहाँ पे ग्रेटर देन वन है ग्रेटर राइट हैंड लिमिट के लिए और इक्वल जो है वैल्यू ऑफ़ द फंक्शन के लिए क्योंकि जो मेन कंडीशंस है कंटिन्यूटी चेक करने के लिए ये दो चीज़ें हैं कि वैल्यू ऑफ़ द फंक्शन और लिमिट ऑफ द फंक्शन इक्वल आ जाए तो वैल्यू इक्वल के साइन के लिए यूज़ करते हैं ठीक है तो सबसे पहले हम लोग सोल्यूशन लिखेंगे सॉल्यूशन में कंटिन्यूटी चेक करेंगे कंटिन्यूटी एट एक्स इज़ इक्वल टू ज़ीरो पे चेक करेंगे अच्छा एट एक्स इक्वल टू ज़ीरो के लिए लेफ्ट हैंड लिमिट मालूम करेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट लिमिट एक्स एप्रोच टू ज़ीरो लेफ्ट एफ ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू लिमिट एक्स अप्रोच टू ज़ीरो लेफ्ट एफ ऑफ एक्स एफ ऑफ एक्स की जगह एफ ऑफ एक्स की वैल्यू पुट करेंगे माइनस टू एक्स तो जब आप लिमिट अप्लाई करेंगे माइनस टू इंटू जीरो आ जाएगा जी अच्छा जीरो अच्छा राइट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट लिमिट एक्स अप्रोचेस टू जीरो प्लस एफ ऑफ एक्स लिमिट एक्स अप्रोचेस टू जीरो प्लस यानी x ग्रेटर देन ज़ीरो राइट के लिए यह आ जाएगा x अप्लाई करेंगे लिमिट को यह आ जाएगा ज़ीरो यानी लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट अब क्या करेंगे वैल्यू ऑफ एफ ऑफ एक्स एट एक्स इज इक्वल टू जीरो पे चेक करेंगे वैल्यू के लिए हम लोग क्या यूज़ करेंगे एक्स लेस देन टू ज़ीरो ठीक है यानी माइनस टू एक्स को यूज़ करेंगे तो एफ ऑफ़ एक्स इज इक्वल टू माइनस टू एक्स एफ ऑफ़ ज़ीरो इज इक्वल टू माइनस टू इन टू ज़ीरो एफ ऑफ़ ज़ीरो इज इक्वल टू ज़ीरो ये भी ज़ीरो लेफ़्ट राइट हैंड दोनोंक्वल टू ज़ीरो है तो हमारे पास क्या आ जाएगा लिमिट एक्स अप्रोच टू ज़ीरो लेफ्ट एफ़ ऑफ एक्स लेफ्ट हैंड लिमिट लिमिट एक्स अप्रोच टू जीरो प्लस एफ ऑफ एक्स राइट हैंड लिमिट और वैल्यू तीनों इक्वल आ रहे हैं तो इसका मतलब आपने क्या लिखना है सो एफ ऑफ एक्स इज़ कंटिनस एट एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो फॉर एग्जाम्पल अगर यहां पे ये दोनों इक्वल है और ये यहाँ पे वन आ जाए तो फिर डिसकंटिन्यूस होगा अच्छा क्वेश्चन नंबर फाइव को डिस्कस करते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में बाकी क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर फाइव एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू x square minus 4 divided by x minus 2 if 0 less than equal x less than 2 2 if x equal to 4 if x greater than 2 एट एक्स इज इक्वल टू पे कंटिन्यूटी चेक करेंगे क्योंकि यहाँ पे जीरो भी मेंशन है जीरो मेंशन है और आपको क्वेश्चन में बताया गया है कि आपने कंटिन्यूटी चेक करना है एट एक्स इज इक्वल टू पे अच्छा स्टूडेंट्स टू पे चेक करेंगे कंटिन्यूटी तो एक्स लेस देन टू जो है लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए यूज करेंगे एक्स इक्वल टू टू वैल्यू ऑफ द फंक्शन जो गिवन है आप लोगों ने सॉल्व नहीं करना एक्स ग्रेटर देन टू राइट हैंड लिमिट के लिए ये फोर यूज करेंगे तो सबसे पहले लेफ्ट हैंड लिमिट लिमिट एक्स अप्रोचेज टू टू लेफ्ट हैंड लिमिट लिमिट एक्स अप्रोचिस टू टू लेफ्ट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट एक्स अप्रोचिस टू टू लेफ्ट एक्स स्क्वेयर माइनस फोर एक्स माइनस टू डायरेक्ट लिमिट अप्लाई नहीं कर सकते क्योंकि ऊपर भी जीरो नीचे भी जीरो बन रहा है तो आपने क्या करना है इसको फैक्टराइज करना है लिमिट एक्स अप्रोचिस टू टू लेफ्ट या जाएगा एक्स माइनस टू एक्स प्लस टू एक्स माइनस टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए माइनस बी ए प्लस बी फार्मूला अप्लाई किया ये कैंसिल हो जाएगा लिमिट एक्स अप्रोचेस टू टू लेफ्ट एक्स प्लस टू अप्लाई कर लें लिमिट को लिमिट अप्लाई कर लें तो यह टू प्लस टू इक्वल टू फोर लेफ्ट हैंड लिमिट इसका फोर है राइट हैंड लिमिट लिमिट एक्स अप्रोचेज टू टू राइट एफ ऑफ एक्स लिमिट एक्स अप्रोचेज टू टू राइट राइट हैंड के लिए एक्स ग्रेटर देन टू फोर यूज करेंगे कांस्टेंट पे लिमिट अप्लाई नहीं होता तो इसका आंसर डायरेक्ट फोर है यानी लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट अच्छा वैल्यू ऑफ द फंक्शन वैल्यू ऑफ फंक्शन वैल्यू ऑफ फंक्शन आपको गिवन है स्टूडेंट्स एट एक्स इज इक्वल टू टू पे वैल्यू टू है विच इज गिवन एफ ऑफ टू इज इक्वल टू टू तो लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू एफ ऑफ टू वैल्यू ऑफ द फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज डिसकंटिन्यूस एट एक्स इज इक्वल टू टू अच्छा स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर फोर में एक पार्ट मैंने किया हुआ है एट एक्स इज इक्वल टू जीरो पे एट एक्स इज इक्वल टू वन पे अपने खुद करना है ठीक है सेम प्रोसीजर यहाँ पे वन लेफ्ट एफ ऑफ एक्स वन लेफ्ट के लिए एक्स आपने यूज करना है फिर जीरो अप्लाई करना है फिर वन अप्लाई करना है फिर लिमिट एक्स अप्रोचे फंक्शन फिर वैल्यू ऑफ एफ ऑफ एक्स एट एक्स इज इक्वल टू वन एट एक्स इज इक्वल टू वन के लिए ये फंक्शन फिर, फिर आपने वो फंक्शन यूज करना है एक्स की जगह वन लिखना है अगर इक्वल आ गए कंटिन्यूस इक्वल ना आए तो डिसकंटिन्यूस